हेलो ट्वेल्थ क्लास, टुडे वी आर डीलिंग विद द लास्ट सब टॉपिक्स एज देयर आर टू टॉपिक्स ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 5 एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर डीलिंग विद इज द मैनेज्ड फ्लोटिंग. मैनेज्ड फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग. ठीक है, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. एज ऑल ऑफ यू नो दैट द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेज. ओके, बट एट टाइम्स व्हाट हैपन्स, आरबीआई इन योर केस इन इंडिया और अदरवाइज सेंट्रल बैंक्स ऑफ एनी कंट्री इंटरवीन्स इन बिटवीन. एंड व्हाई द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इंटरवीन्स, ठीक है, टू मैनेज द एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट एट टाइम्स डिजायर्ड लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है. ठीक है, टू हाई या टू लो दोनों सिचुएशंस में अकर. ठीक है, सो दिस इज अ सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसमें देर इज ओकेजनल इंटरवेंशन बाय द सेंट्रल बैंक. एंड वाई? टू इन्फ्लुएंस द फ्लोट एंड टू मैनेज द फ्लोट. मैनेज करना मतलब हाई या लो की सिचुएशन में उसको मैनेज करने की जब जरूरत आती है तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन बिटवीन. ठीक है, नाउ हियर आइदर आरबीआई सेल्स और परचेजेस द फॉरेन करेंसी. इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी को आइदर द आरबीआई विल सेल और परचेज. आरबीआई मीन्स सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री. नाउ व्हाट हैपन्स, सी देर आर टू सिचुएशन, वन इज एप्रिसिएशन एंड द अदर वन इज डेप्रिसिएशन ऑफ योर डोमेस्टिक करेंसी. सो इन केस ऑफ एप्रिसिएशन अगर करना चाहता है सेंट्रल बैंक तो व्हाट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द एक्सचेंज रेट. सो टू रिड्यूस द एक्सचेंज रेट द सप्लाई ऑफ डॉलर विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, रिलीज होएगा वो. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेंट्रल बैंक रिलीजेज द सप्लाई ऑफ डॉलर एंड विद द रिलीज ऑफ सप्लाई द सप्लाई विल बी हायर. व्हेन सप्लाई इज हायर इन कंपैरिजन टू डिमांड व्हाट विल हैपन, प्राइसेस विल लोअर डाउन. सो हायर सप्लाई लीड्स टू लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर. एंड व्हेन दिस हैपन्स, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है, सो फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी द सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसमें रिलीज कर देता है सेंट्रल बैंक टू इंक्रीज द सप्लाई. ठीक है, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट हैपन्स, इफ आरबीआई वॉन्ट्स टू, द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू रेज, ठीक है, देन इट विल इंक्रीज द डिमांड. परचेज करना शुरू कर देगा डॉलर को, डिमांड जनरेट हो गया, इंक्रीज हो गया. नाउ हायर द डिमांड, हायर इज द प्राइस. ठीक है, क्योंकि सप्लाई तो अभी बड़ी नहीं, डिमांड बड़ी है. ठीक है, सो इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डॉलर एंड हैंस द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. एंड दिस वॉज द एम ऑफ द बैंक ओनली. ठीक है, सो हेयर टू एप्रिशिएट द सप्लाई विल बी इंक्रीज्ड. हेयर टू डेप्रिशिएट योर डोमेस्टिक करेंसी द डिमांड विल बी इंक्रीज्ड फॉर द डॉलर. क्लियर? नाउ अनदर टॉपिक विच वी आर डीलिंग विद इज फॉरन एक्सचेंज मार्केट. नाउ वॉट इज फॉरन एक्सचेंज मार्केट? मार्केट क्या होता है? वेयर वी सेल एंड बाय. दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सो दैट मीन्स वी सेल एंड बाय द नेशनल करेंसीज ऑफ वेरियस कंट्रीज. वेयर वी गेट द नेशनल करेंसीज ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दैट मार्केट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस? थ्री फंक्शंस आई हैव रिटन हियर. वन इज ट्रांसफर, वन इज क्रेडिट, वन इज हैजिंग. ट्रांसफर फंक्शन मीन्स ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, पूरे कंट्रीज में जितने भी वर्ल्ड में हैं. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इज द ट्रांसफर फंक्शन. प्रोवाइडिंग क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इज द क्रेडिट फंक्शन. ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Why? For the exports and imports of goods, services. And then this is hedging function. Understand this. Hedging function means protection against risk.
ठीक है, जो वेरिएशंस फॉरेन एक्सचेंज रेट में आते हैं, आइदर बहुत इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी सिचुएशन में रिस्क जनरेट होते हैं. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट है उसको लॉक कर दिया जाता है. ठीक है, सो दिस इज द हेजिंग फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है आपकी, ये कुछ ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स करती है जिसको हम करंट ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं. ठीक है, ये स्पॉट मार्केट का पार्ट है. और कुछ जो हैं आपकी आने वाले टाइम में टू मीट फ्यूचर जो डिलीवरीज होती हैं आपकी गुड्स और सर्विसेज की, उसके लिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू मार्केट्स, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट. ठीक है, स्पॉट मार्केट जो है दैट हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन्स, और ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, जो आपका स्पॉट मार्केट है, हेयर द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन इन द मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. वॉट इज इट कॉल्ड? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी द रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन्ड इन द मार्केट, जो फॉरवर्ड मार्केट है इसमें जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. ठीक है, हेयर जो हैजिंग फंक्शन है दैट इज नॉट अलाउड, और यू कैन से दैट इट डज नॉट अलाउ हैजिंग. एंड हेयर फॉरवर्ड मार्केट अलाउज हैजिंग, स्पॉट मार्केट डज नॉट अलाउ, फॉरवर्ड मार्केट अलाउज. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक. थैंक यू.